हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने सिंगोनियम प्लांट की कुछ प्रूनिंग करी थी। तो ये मेरे पास वेस्ट कटिंग है जिनका मैं आपको बेस्ट यूज़ बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसको डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने ये सारे सिंगोनियम प्लांट की कटिंग्स को इस तरीके से मैं कट कर लूँगी, लीव्स की जो नॉट्स हैं वहाँ से मैं इनको कट कर लूँगी ताकि इनकी मैं एक प्लेसमेंट ब्यूटीफुली कर सकूँ। ये मेरे सिंगोनियम प्लांट बहुत बढ़ गए थे जिनकी मैंने अभी प्रूनिंग करी है ताकि मेरे प्लांट में एक बुशी लुक आ जाए। अब ये मैंने अपने सारी कटिंग्स को, लीव्स को इस तरीके से नॉट से कट कर लिया है। अब इनको कट करने के बाद इनको मैं धीरे धीरे एक साथ जोड़ना शुरू करूँगी। ये इस तरीके से मैंने ये लीव्स को इकट्ठा जोड़ के एक पूरा इनका लीव्स का बुके सा बना लिया है। अब इन लीव्स को सबको मैं एक ये प्लास्टिक टाई बेल्ट से बांध दूंगी। ये प्लास्टिक टाई बेल्ट है, इनसे मैं इन लीव्स को इकट्ठा बांध दूंगी इस तरीके से। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए मैंने एक ग्लास का पॉट लिया है और अब मैं इस पॉट में थोड़ा सा पानी भरूंगी। ये अपने लीव्स को डालने के बाद अब इसमें मैं कुछ क्ले बॉल्स डाल दूंगी। अब ये देखिए मेरा दूसरा भी लीव्स का बुके बनकर तैयार है। अब इसमें मैं दूसरे पॉट में भी पानी डालूंगी और उसके बाद मैं अपना ये बुके डाल के इसमें क्ले बॉल्स डालूंगी। ये क्ले बॉल डालने का ये फायदा हो जाता है कि जो हमारा बुके है, हमारी जो लीव्स हैं, वो अपनी जगह पे रुकी रहेंगी, हिलेंगी नहीं। अब ये देखिए मेरे बहुत दो खूबसूरत लीव्स के बुके बनके तैयार हैं। अब मैं इनको अपने बेड साइड, स्टडी टेबल या बाथरूम की किसी भी शेल्फ पे बहुत खूबसूरती से डेकोरेट कर सकती हूँ।